आपको अभी तक कोई अनुशासनहीनता लगी? मैं हम ऐसे आदमी नहीं है जो अनुशासनहीनता करे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। जेके टायर फैक्ट्री में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोशित हैं और साथ में सीटू के अध्यक्ष चुनीलाल पंचोली भी हैं, उनके सामने प्रबंधन की तरफ से वार्ता का एक लेटर भी भेजा गया है। उसमें मुख्य रूप से अभी अध्यक्ष चुनीलाल पंचोली द्वारा वो जो प्रबंधन का लेटर था उसके बारे में बताया था। कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे काम आपने जो भी मांग है शांतिपूर्ण तरीके से बात करो। आपको अभी तक कोई अनुशासनहीनता लगी? मैं आपको पहले बताऊँ, मैं हम ऐसे आदमी नहीं है जो अनुशासनहीनता करते हैं। वो जो भी काम करेंगे कानून में लेके करेंगे। अपनी मांग मांगने का सबको अधिकार है, बिल्कुल है, और हमारी मांग मांग रहे हैं। मैनेजमेंट से हमारी वार्ता हुई है वापस, अभी वो वार्ता में हमने भाइयों को सुनाने गया है। आपकी इजाजत हो तो हम नहीं चलो। दोस्तों राम राम। डबल सिंह जी ऐसा सामग्री बात मैं कुछ बोलूं? आप सबकी ताकत से जो आप मुझे कह रहे हो मैं वो कर रहा हूं, लेकिन आज मैं जो कहूंगा वो आप करोगे क्या? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। कंपनी से एक मैसेज आया मेरे पास, शायद आप सभी के पास पहुंच गया होगा। आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ के सुनूं। जो भी काम करूंगा आप सबके सानिध्य में लेके आपको बता के करूंगा। VPW साहब का लेटर आया है, इन्होंने 15 दिन इस महीने का टाइम और मांगा अपने से। एक दिन बात सुनो मेरी, मेरी बात सुनो। आज अपनी आप क्या समझ रहे हो, आपकी हार हुई क्या? नहीं, आपकी ताकत से आप सभी की जीत हुई है और लेटर पे लिख दे रहे हैं ना। ये लेटर पेट में आया भाई, अब उसको थूक के चाटने की आदत है, चाटे, लेकिन अपना ये एकता और संगठन बना के रखना है, इसको दोबारा इस स्थिति में लाने के लिए अपन मजबूर कर देंगे। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं जो भी बात करूंगा आपके हित की बात करूंगा, आपके अहित की बात नहीं करूंगा। जो असामाजिक तत्व है, जो मजदूर विरोधी है, वो ऐसे नोटिस लगाते हैं, ऐसा जवाब देते हैं, लेकिन अपन ने किसी मजदूर भाई का हित नहीं किया आज दिन तक। और उनको भी सलाह देते हैं, इस महायज्ञ में आप भी आहुति दो और मजदूरों को पैसा दिलाने का काम करो। सभी मजदूर भाइयों से और जो हमारे विरोधी हैं उनको भी कहता हूं, अगर तुम सच्चे मजदूर हो और सच्चे मजदूर को पैसा दिलाना चाहते हो तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ बैठकर इस LTP साइन में सहभागिता निभाओ। भगवान सद्बुद्धि दे, ऐसी राजनीति नहीं करे, ऐसे सत्ता के अंदर अंधे नहीं हो, क्योंकि BJP कांग्रेस मैं आज और कह रहा हूँ खून पे तेर कहता हूँ। और मजदूर की बात करेगा तो मजदूर की बात करूंगा, ना कांग्रेस ना BJP की बात करता हूँ। तो आपको मेरे पर विश्वास है तो आप साथ रहकर काम करो, मैं आपके लिए आपका जाग पसीना गिरेगा, वहां चुनीलाल अपना खून बांधेगा, निस्वार्थ बांधेगा। और बोलो आप क्या चाहिए आपको, लेकिन कुछ शर्तें माननी पड़ती है आंदोलन के अंदर। आज इतना झुका है ये मैनेजमेंट, कल तक नहीं झुक रहा था, कल भी हमने इनको कहा आप साइन कर दो, ऐसी नौबत नहीं आती, ना इतना प्रोडक्शन डाउन होता है इनका, लेकिन इनके अंदर ज्ञान बाद में आता है, बुद्धि बाद में आती है, क्योंकि बिचौले थे
उसके सत्ता के अंधकार में डूबे थे कि सत्ता है गई हमारी, हम मजदूर भाइयों को लट मार के ये इन पुलिस वालों से लट मराएंगे और हम इनको भगा देंगे। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है, पुलिस अपने साथ खड़ी है और अपना सहयोग करेगी। जहाँ अन्याय होगा वहाँ पुलिस अपना साथ नहीं देगी, उनको खदेड़ने का काम ये पुलिस करेगी, क्योंकि पुलिस के ऊपर अपने विश्वास है। आखिर क्या पूरा मामला है, क्या मांगे हैं, सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ में अध्यक्ष चुन्नीलाल जी पंचोली हैं। चुन्नीलाल जी, पहले तो थोड़ी क्या क्या मांगे हैं और उसके बाद आज प्रबंधन ने जो लेटर भेजा है वो क्या है? हमारी पूर्व में मीटिंग हुई है, हमारे LTA चल रहा है और करीबन करीबन हमारा LTA पूर्ण हो चुका है। सिर्फ उसके ऊपर खाली हमारे मैनेजमेंट के VPW साहब के इनके साइन होते हैं, वो पूरा खाका तैयार हो गया और यूनियन ने अपनी सहमति दे दी हर चीज़ के ऊपर, कितना परमानेंट करना, कितना पैकेज बनेगा, उन सब चीज़ों पे हमारी सहमति बन गई। उसके बाद मैनेजमेंट का हर धर्मिता इतनी हो गई कि तारीख पे तारीख दे रही है। हमने जब मीटिंग की थी 4 तारीख के दिन तो वापस इन्होंने कहा था हम आपको बहुत जल्दी LTA कर देंगे, तो हमारी मीटिंग हुई, हमने स्थगित करके तो वापस कल हमारी मीटिंग के अंदर साइन होने का था, तो माननीय प्रबंधक महोदय और मैनेजमेंट ने हमें 15 दिन का समय और मांगा। लेकिन मैं आज मजदूर आपके सामने इतना चिल्ला रहा, देखो आप, इनके हक की मांग ये कर रहा है और मैनेजमेंट कान में रुई गाल के बैठी हुई है, क्यों नहीं इन मजदूरों को पैसा देना चाहती है? मुझे बड़ा शर्म आती है इस बात की कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद ये मदर प्लांट है JK का और इतने प्लांट इस JK टायर से बना है राजसमंद से बाहर, तो इस मदर प्लांट के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? क्या मजदूर मेहनत करके नहीं देता क्या? इन मजदूरों की मेहनत से अन्य प्लांट बने, बल्कि इन मैनेजमेंट के प्रयासों से नहीं बने। ये माननीय हमारा पूर्व मुख्यमंत्री सुखड़े जी देने और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष निरंजना जी आचार्य देने जो ये प्लांट यहाँ पे स्थापित हुआ, और लाला जी की मेहनत से यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट के दलाल यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस कारखाने को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन इंटेक यूनियन इस कारखाने को नुकसान नहीं पहुँचाकर इन मजदूरों के हक की बात कर रहे हैं। आप तुरंत प्रभार से LTA करिए और साइन करिए। आज मजदूर इतना तैयार है आपके साथ, आपका जितना प्रदर्शन का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए हम तैयार हैं और ओवर टाइम भी चालू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप साइन करिए और इन मजदूरों को साथ शोषण मत करो और मजदूर हर बात मानने के लिए तैयार है। आपने लेटर भेजा है, वो लेटर मैंने पढ़ के सुनाया, लेकिन मजदूर ये चाह रहा है कि आप साइन करो, उसके बाद हम कारखाने के अंदर कार्य करेंगे, अन्यथा हम बैठे हैं भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, हम अपनी मांग पर अड़ेंगे। उसमें मुख्य रूप से जो प्रबंधन ने 15 दिन का टाइम किसके लिए मांगा, क्या कह रहे हैं? क्या मालूम इनके, हमारे बाहर है, कभी तो कहते हैं यूनिया जी बाहर है, कभी HR बाहर है, कभी आज कोई टक्कर साहब कोई बाहर है उनके साइन करने, जो फाइनेंस देखता है सब दिल्ली के अंदर है, इनके अभी तक फोन आ रहे हैं घंटे बजे देख लो आप। लेकिन ये लोग क्या मालूम इन मजदूरों के साथ सत्ता के अंदर अंधे हो चुके हैं, क्योंकि ये मजदूर ना तो कांग्रेस से ना BJP से, ये मजदूर है सिर्फ अपनी फैक्ट्री के लिए और मजदूर हित की बात करने के लिए, और मैं खुद भी मजदूर हित की बात करने के लिए इनके साथ खड़ा हूँ, इनको पैसा मिले और ये अपने सुचारू रूप से कारखाने की रखवाली करें और कारखाना अच्छे तरीके से चले। तो यहाँ फैक्ट्री में जो मजदूर हैं वो भी क्या 2 दड़ों में बट गए हैं क्या, 2 संगठन जो बने हुए हैं यहाँ पर सिर्फ 150 मजदूर जो BMS के हैं वो सिर्फ विरोध करना जानते हैं, उन्होंने पूर्व में यूनियन थी वो पूरा मैनेजमेंट के दल्ले बन चुके थे, उन्होंने फाइनल फिनिश अन्य जोबे GST जोबे अंडा तक ये लोग खा गए, ये क्या मजदूर का भला करेंगे? इसलिए मजदूर आज देख लो इंटेक के साथ खड़ा हुआ आपके सामने, BMS के साथ सिर्फ 100-150 आदमी से ज़्यादा नहीं है। अभी क्या है, ये जैसे जो आज बहिष्कार किया कार्य का, ये पहली शिफ्ट थी 6 बजे से, अब फिर आगे भी जारी रहेगा या क्या? जो अभी ये शिफ्ट चल रही है इसके बाद B शिफ्ट आएगी वो भी इस तरह चलेगी और C शिफ्ट आएगी वो भी इस तरह चलेगी, मतलब कार्य का बहिष्कार रहेगा। हमारा LTA पे साइन करो आप, हम काम करने के लिए तैयार हैं, मजदूर हैं, मजदूर की कमाई से खाते हम। फैक्ट्री में एक शिफ्ट में लगभग कितने श्रमिक आ रहे हैं जो ये कार्य का बहिष्कार? 700 एक शिफ्ट में 750। बिल्कुल धन्यवाद। ये मुख्य रूप से अध्यक्ष चुन्नीलाल जी पंचोली थे। आपने देखा किस तरह से सभी जो श्रमिक हैं C2 यूनियन से जुड़े वो सभी आक्रोशित हैं और इनकी मुख्य रूप से यही मांग है कि श्रमिकों की जो मांग है उसे पूरी की जाए, वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगे पूरी नहीं होगी तब तक मजदूर आंदोलनरत रहेंगे। इसको लेकर मुख्य रूप से श्रमिकों द्वारा ये मांग पत्र जब रखा गया था और पहले 10 दिन का समय मांगा था और उसके बाद आज फिर से अध्यक्ष चुन्नीलाल पंचोली
सभी श्रमिकों के बीच में गए जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से ही आप दूसरी तरफ देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये श्रमिक अपनी फैक्ट्री में कार्य का बहिष्कार कर बाहर आ चुके हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे समझाइश के लिए अध्यक्ष चुनीलाल पंचोली पहुंचे। गाली देगा मेरे कारण सुन लेना, लड़े झगड़ा मत करना, ना देगी सोगन, आप लड़ाई नहीं करोगे, आपके ऊपर कोई खींचा डाल दे मेरे ऊपर डाल देना आप, लेकिन यहाँ पे पैसा मिले, अगर आपका साइन होगा तो चुनीलाल दोबारा इस गेट पे आएगा, बाकी नहीं आएगा। उन्होंने प्रबंधन का पत्र भी बताया कि उन्होंने अब 15 दिन का और समय मांगा है, लेकिन सभी मजदूर इस बात पर अड़ गए कि अब हवे समय नहीं देने वाले हैं। तत्काल प्रभाव से उनके जो समझौता पत्र हैं, जो उनके वेतन वृद्धि की मांग है, उसे पूरी की जाए, वरना वे इसी तरह कार्य का बहिष्कार करते हुए आंदोलन करते रहेंगे। ये पहली शिफ्ट है, सुबह 6 बजे से आंदोलनरत हैं, करीब 600 से ज़्यादा श्रमिक अभी हैं, और दूसरी शिफ्ट में भी बताया जा रहा है कि इतने ही श्रमिक रहेंगे, और अभी यही ऐलान है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।